पर काफी ज्यादा अभी द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, वही अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में नेशनल टीवी के इंटरव्यू में कहा कि मेरा कोई एक्सेस नहीं था 90s में, वहां पर सेंटर से सारे डिसीजंस आते थे, जो यहां पर कोई भी ऐसा डिसीजन होता था। योर टेक सर। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहे कि मैं 19 तारीख को मुख्यमंत्री नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, मैंने 18 को छोड़ दिया। कोई अगर बीमार होता है तो वो केवल बीमार हो गया और मर गया, ऐसा नहीं होता। किसी को हार्ट अटैक होता है तो हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाता है, लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कोई बीमार होता है तो वो 5-7 साल इलाज करता है, इलाज कामयाब नहीं होता तो उसकी डेथ हो जाती है। ये नासूर तो बहुत पहले से शुरू हो गया था कश्मीर में, और इसकी जिम्मेवारी उन्हीं की है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अपने आप को वो बचा लेंगे ऐसा उसमें मुझे नहीं लगता है। और इस कश्मीर फाइल्स के बारे में शुरू से ही कश्मीरी पंडित लीडर्स ये बात कहते थे कि इसका कोई कमीशन बैठना चाहिए और वाइट पेपर सामने आना चाहिए, और वहीं कल मुझे लगता है फारूक साहब ने भी कहा है, और वाइट पेपर आना चाहिए। हम भी उसकी फारूक साहब के साथ उसकी तहदीद करते हैं कि सरकार बनाए, और वाइट पेपर में वही आएगा जो प्रेस में ये कहे कि मैंने 20 लोगों को मारा है तो उसको आपने बचा के रखा है। हमारे DGP जो उस समय पुलिस के बड़े अफसर होंगे वो कहते हैं कि 70 लोगों को आपने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा। अब ये सब बातें, कमीशन तो बैठना ही चाहिए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करें और सच का दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई एक्सेस नहीं था, मिलता ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी उसके लिए आप बताइए क्या कहें। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता। अब तब तो पुलिस के पास भी कोई इख्तियारात नहीं थे, सीएम भी बिल्कुल कठपुतली, ऐसा नहीं था, कोई कठपुतली नहीं था जिसको सीएम बनाया, मीर कासिम को उतार के शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया तो कठपुतली था। कांग्रेस ने इतनी बड़ी भयानक भूल कर दी, एक इलेक्टेड सीएम उसको उतार कर, और एक ऐसा जिसको जिसके ऊपर 1000 प्रकार के आरोप थे उसको आपने सीएम बनाया तो वो कठपुतली था। बाद में उसने सारे दुनिया में फैलाया कि मैंने 4 रत्न जम्मू कश्मीर के, उनको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद राजीव और फारूक का अकॉर्ड, ये कोई कठपुतली सरकारें थोड़ी थी भाई साहब, ये तो कहने की बात है, सशक्त सरकार थी। 87 में क्या हुआ, आज जो हम भुगत रहे तो 87 के चुनाव का परिणाम है। अगर उस समय इन्होंने दांधलियाँ नहीं की होती, उन्होंने इस समय जीते हुए को नहीं हराया होता, ये शायद हमको नहीं देखना पड़ता। वो किसने किया, अब ये कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो अगर सरकार की भी और यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार भी और भारत सरकार की भी इच्छा होगी तो इसका एक कमीशन बिठाना चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, और वो इसकी इंक्वायरी करे। जैसे मैंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, ऐसा मेरा मानना है।